तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है। पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम द मदर्स वोम टू द आउटसाइड ऑफ द एनवायरमेंट। मीन्स बच्चा जो फीटस है अब वो माँ के यूट्रस से बाहर निकलेगा। हम जानते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पूरे 9 महीने का एक समय होता है जिसमें बच्चा कोई फीटस अपनी मदर के वॉम में यानी यूट्रस में ग्रो करता है और अल्टीमेट एक समय ऐसा आता है कि जो न्यूरो मस्कुलर एक कोऑर्डिनेशन की वजह से लास्ट स्टेज में एक घटना घटती है जो कि पार्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फीटस लगभग 9 महीने तक अपनी मां के यूट्रस में रहता है और ऐसा क्या हो जाता है कि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है जिसकी वजह से बेबी या वो फीटस डिलीवर होता है, ऐसा क्या होता होगा, उसी चीज को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हम एक बात कह बताएं आपको कि यहां पर दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो बच्चा धीरे धीरे अपने वेट में बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ता है। इसके अलावा उसके बॉडी में कुछ ऐसे न्यूरो सिक्रीशंस होते हैं, कुछ हार्मोनल ऐसे सिक्रीशन होते हैं जो कि पार्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन चीजों पर अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि बच्चे का मदर के वोम में रहने का टाइम पीरियड कितना होता है। अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ, जिसे हम जेस्ट्रेशन पीरियड कहते हैं या गेस्ट्रेशन पीरियड कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा अपनी मदर के यूट्रस से बाहर के एनवायरनमेंट में आता है। इस दौरान वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में। इसमें यूट्रस की कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है, इसमें मायोमेट्रियम में लगातार वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ऐसा क्या होता है 9 मंथ्स के कंप्लीट होने के बाद, तो देखा जाता है कि धीरे धीरे ऐसा कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीटस में और उसके बढ़ते हुए जो वजन है, जो वेट है, उसकी वजह से ऐसी घटनाएं घटती हैं जो पार्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहां पर अगर हम देखें तो टर्मिनल स्टेज ऑफ जेस्टेशन में फीटस के बॉडी में या फीटस के बॉडी से रिलीज होने वाला कार्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है। तो ऐसा फुल्ली डेवलप्ड फीटस में कार्टिसोल का लेवल बढ़ने से यह फीटस की बॉडी से रिलीज होने वाला कार्टिसोल हार्मोन, ये एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं दिया है लेकिन मैंने एक पॉइंट केवल एडिशनल आपको समझाने के लिए बताया है। तो फीटल के बॉडी से रिलीज होने वाला कार्टिसोल हार्मोन वो फर्दर प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है, यानी फीटस से रिलीज होने वाला कार्टिसोल हार्मोन प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है और ये प्लेसेंटा से कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करिए। यानी फीटल कार्टिसोल का लेवल बढ़ने से वो प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने के लिए। वो क्यों कहता है, क्योंकि अब एस्ट्रोजन ही वो हार्मोन होगा जो कि एक मीडिएटर का काम करेगा, वो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर की तरीके से काम करता है। वो एक काम ये करता है कि जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल अभी हाई बना हुआ है, जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई होने की वजह से यूट्राइन मसल्स रिलैक्स बैठी हुई हैं, उन प्रोजेस्ट्रॉन के एक्शन को इनहिबिट कराता है। बात समझिएगा, अब क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाया गया। ऑक्सीटोसिन का लेवल इसलिए बढ़ाया गया, ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट इसलिए किया गया है ताकि वो दो एक्शन करे, एक यूट्रस से हायर लेवल पर इंफॉर्मेशन पहुंचे उसके लिए काम करता और यूट्रस में मसल्स का रिलैक्सेशन अब बंद हो जाए, मसल्स यूट्राइन मसल्स रिलैक्स ना रहे। आमतौर पर गेस्टेशन फेज में यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स रहना होता है, क्यों, ताकि फीटस प्रॉपरली ग्रो करे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर दी तो क्या होगा, फीटल जन्म मींस जो अपना गेस्टेशन पीरियड से पहले एबॉर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा एबॉर्शन के जो मेडिसिन आती है उसमें यही होता है, उसमें इस तरीके के कंपोजिशन होते हैं जो कि यूट्राइन मसल्स को मायोमेट्रियम को लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो समय से पहले ही बच्चा जो फीटस है वो एक्सपेल हो जाता है।
फीटस कितने ड्यूरेशन में कहते हैं, इस बात को मैंने आपको बताया है एक प्रायर वीडियो में, तो खैर उस चीज को आप वहीं पर देखिएगा, मैं इस बार उसके डिफिनेशन को नहीं बताऊंगा, लेकिन बस आप इतना समझे कि फीटस के लिए अब एक्सपेल करने के लिए ऑक्सीटोसिन ने दो काम किया है जिसको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। वो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो दो काम करेगा, एस्ट्रोजन एंटागोनाइज करता है प्रोजेस्ट्रॉन के रिलैक्सिंग एक्शन को, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के रिलैक्सिंग इफेक्ट को एंटागोनाइज करता है। तो अभी तक क्या हमने देखा, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा, फीटल बॉडी में से रिलीज होने वाले कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा, उसने प्लेसेंटा को स्टिमुलेट किया एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करने के लिए, और एस्ट्रोजन हार्मोन के हाई लेवल ने प्रोजेस्ट्रॉन के रिलैक्सिंग इफेक्ट को खत्म करने का प्रयास किया या उसे खत्म कर दिया, यानी अब यूट्रस रिलैक्स नहीं रहेगा। इसके अलावा एस्ट्रोजन एक अगला और काम करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन इंड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को की एक्सप्रेशन को, मतलब ये कि वो एक काम तो किया कि यूट्राइन वॉल रिलैक्स बनी रहे, और एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो ही वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है तुरंत यूट्राइन वॉल्स वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। बात समझिएगा, सबसे यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिस हार्मोन का है वो है ऑक्सीटोसिन। आप एज अ डॉक्टर देखेंगे जब आपकी यूनिट में पोस्टिंग होगी कुछ दिनों बाद, जब आप सेलेक्ट होंगे तो उसके बाद आप एमबीबीएस के दौरान आपको देखने का मौका मिलेगा कि टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में मीन्स जब पर्चुरेशन के दौरान ऑक्सीटोसिन के आईवी फ्लूइड चढ़ाए जाते हैं, उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ऑक्सीटोसिन के एक्सटर्नल अमाउंट दी जाती है ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो। तो जाहिर सी बात है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो तो इसके लिए कौन हार्मोन जरूरी है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को कौन रिलीज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आप जानते हैं ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो इस दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए एस्ट्रोजन ने प्रोजेस्ट्रॉन को रोक दिया कि अब आप काम नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन आकर के अब कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो उस समय रिलैक्स एक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये काम ऑक्सीटोसिन कराएगा कॉन्ट्रैक्शन का, और आप जानते हैं ना कोई भी हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन अगर यूट्रस के मायोमेट्रियम पर पहुंच करके वहां कॉन्ट्रैक्शन कराना चाहता है तो ऑक्सीटोसिन के एक्शन को समझने के लिए कुछ प्रॉपर रिसेप्टर होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को महसूस करने के लिए कुछ प्रॉपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएं इसके लिए भी एस्ट्रोजन काम करता है। यहां पर देखेंगे हम एस्ट्रोजन इंड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को, कहां पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं यूट्राइन वॉल में। तो ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, सॉरी एस्ट्रोजन ने क्या किया, एस्ट्रोजन ने ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया यूट्राइन वॉल पर। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि जो फीटस और मदर का जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो तेजी से अब काम करेगा यूट्राइन वॉल के लिए और वो रिलीज होगा। बात समझे आप, यहां पर सारी तैयारी हो गई है, बस केवल ऑक्सीटोसिन को अब आना है। प्रोजेस्ट्रॉन ने क्या किया, प्रोजेस्ट्रॉन के एक्शन को रोक दिया गया है, यहां पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर तैयार हैं, जो ही ये तैयार हो जाते हैं, इन दोनों ही काम को किया एस्ट्रोजन ने, और जो ही ये दोनों तैयार हो जाते हैं फीटस और मदर दोनों के ही बॉडी से रिलीज होने वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है और वो यूट्राइन रिसेप्टर्स पर एक्सेप्ट किया जाता है, और जो ही ये एक्सेप्ट किए जाते हैं तुरंत यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, तुरंत यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो बेबी जो है एक्सपेल करने के लिए बॉडी की पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है। तो एक बात आप जान लें, यहां पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने एक्टिवेट किया यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। नॉर्मली आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप पढ़ते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो निगेटिव फीडबैक देते हैं अपने सेक्रेटरी हार्मोन्स को,
बात समझिएगा, आपको मैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए यहां पर जिक्र करना जरूरी है। आपने नॉर्मली पढ़ रखा है कि जब किसी हार्मोन का लेवल हाई होता है तो अपने इंड्यूसर हार्मोन को वो क्या करता है, या अपने रिलीजिंग जो हार्मोन्स हैं या अपने जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं उनको इनहिबिट कर देता है। वो कहता है यार मैं एकदम ठीक हूं, तुम लोग अब ऊपर से परेशान मत हो, मुझे रिलीज करने के लिए परेशान मत हो, मैं ऑलरेडी अपने हायर लेवल पर हूं। आमतौर पर यही होता है जब कोई हार्मोन रिलीज होता है तो, जब कह जैसे आप होते हैं, जब आप किसी घर पे आपके मम्मी पापा इंड्यूसर होते हैं, कह देते बेटा तू आप पढ़ाई करने जाइए स्कूल, तो जब आप स्कूल पहुंच जाते हैं तो आप एक फीडबैक देते हैं कि पापा हम पहुंच गए हैं, अब आप घबराइए नहीं, यही तो होता है ना। तो ये एक फीडबैक देते हैं जिसमें पापा को आप मना करते हैं कि अब आप मत घबराओ, ठीक है, ये एक निगेटिव फीडबैक देते हैं घबराने को बंद करने के लिए, मीन्स आप चाहते हैं घबराना वो बंद करें। वैसे ही क्या होता है, कोई भी जब हार्मोन रिलीज होता है तो जब उसका लेवल हाई हो जाता है तो वो निगेटिव फीडबैक देता है, कहता है मैं एकदम ठीक हायर लेवल पर हूं, अब आपको जरूरत नहीं है कि आप इंड्यूस करें और रिलीज करने के लिए, निगेटिव फीडबैक होता है। लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, कहते हैं मैं एकदम काम शुरू कर चुका हूं, ऊपर से और भेजो और भेजो और भेजो। क्यों? क्योंकि बच्चे को एक्सपेल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक सिचुएशन होती है। कभी आप देखिएगा ह्यूमन बर्थ दुनिया की, हमारे नेचर की सबसे दर्दनाक प्रोसेस में से एक है। इस दौरान ऐसा कहा जाता है कि 200 हड्डियां अगर एक साथ टूटें तो उस दौरान जितना पेन होगा उतना एक मदर को बच्चे को डिलीवर करने के दौरान होता है। यह प्रोसेस बहुत जल्दी होना चाहिए, इसलिए यूट्रस से रिलीज होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक देता है, और यह पॉजिटिव फीडबैक फर्दर और ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराते हैं, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तब तक जब तक बच्चा बाहर शरीर से निकल नहीं जाता, यानी पेल्विस से बाहर बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता। यही होता है पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव फीडबैक बेहद जरूरी है, अगर ऐसा ना हो तो डिलीवरी की प्रोसेस एक्सटेंड कर जाएगी, और जो कि अगेंस्ट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में सही बात नहीं होगी। तो यहां पर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव फीडबैक देता है, यही एक्सेप्शन है। यूट्राइन जो डिलीवरी या पार्चुरेशन के दौरान ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक का ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ऐसे ही लैक्टेशन में भी पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, कैसे उसको देखते हैं। लैक्टेशन के दौरान बच्चा, कई बार क्या होता है कि मां इतना प्यार करती है अपने बच्चे से कि बच्चे के रोने से भी वो प्रभावित हो जाती है, उसके मां के बच्चा बस रो दे उस वजह से भी कई बार मदर के बॉडी से मिल्क इजेक्ट हो जाते हैं, इतना प्यार करती है मां। तो इस दौरान होता क्या है, आमतौर पर आप, हमने जब अपने वार्ड की पोस्टिंग के दौरान इस चीज को देखा था, बार बार कहा जाता है कि बच्चे को मां का दूध इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, आमतौर पर यह बात कही जाती है। लेकिन ये हार्मोनल लेवल पर भी बहुत जरूरी है। मदर का मींस बेबी जब मदर का के लिए जब फीड करता है, मदर से जब फीड करता है, जब वो मिल्क के लिए जब वो सक करता है, तो उस दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस मिल्क के प्रोडक्शन और इजेक्शन के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा बेबी और मदर के बीच में एक भावनात्मक इमोशनल कॉन्टैक्ट बनाने में भी मदद करते हैं। इसीलिए जब आप मेडिकल कॉलेज में जब आप जाएंगे तो ये बार बार मदर को इनकरेज किया जाता है कि वो कभी भी बच्चे को फार्मूला फीड ना दें, दूसरा मिल्क को इजेक्ट करके स्पून से ना पिलाएं, बच्चे को खुद कोशिश करने दें कि वो मदर के निप्पल को सक करके फीड करता रहे। इसलिए ये प्रेरित किया जाता है, ये इसके लिए इंकरेज किया जाता है मदर को। क्या होता है इस दौरान, उस चीज को देखते हैं। एक्चुअली लैक्टेशन के लिए, सकिंग के दौरान या मिल्क इजेक्शन के दौरान भी पॉजिटिव फीडबैक बनता है। एक तो डिलीवरी के लिए आपने पढ़ा, अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं लैक्टेशन के दौरान भी पॉजिटिव फीडबैक बनते हुए। एक्चुअली जब बेबी रोता है या जब मदर के निप्पल को सक करता है तो उस दौरान सेंसरी इनपुट पहुंचते हैं हाइपोथैलेमस में, और आप जानते हैं हाइपोथैलेमस क्या करता है, कुछ रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। एक्चुअली
हाइपोथैलेमस बॉस है, आप जानते हैं ना, यहां पर आप कंसंट्रेट करें तो हाइपोथैलेमस एक बॉस है जो कि कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मेजर पार्ट हैं, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। रियल में हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। रियल में ये अपने रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर को रिलीज करके एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है, आप जानते हैं ना, यहां से ये रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर जो भी रिलीज करता है, जो भी फैक्टर ये रिलीज करता है, वो ब्लड में आते हैं। वो कहां आते हैं, ब्लड में। जो भी इसके न्यूरो हार्मोन्स जो भी रिलीज करते हैं वो ब्लड में आता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। तो अब ये क्या हुए, ब्लड से आए और एंटीरियर पिट्यूटरी पर रिलीज हो करके यहां पर रिलीज होते हैं। तो हाइपोथैलेमस से ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे आते हैं, ये हार्मोन्स रिलीजिंग या इनहिबिटरी फैक्टर्स जो ये रिलीज करता है वो ब्लड के द्वारा आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रभावित करते हैं। हाइपोथैलेमस की खास बात यह है कि हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो डायरेक्ट इसके न्यूरॉन से डायरेक्ट यहीं पर रिलीज कर दिए जाते हैं, जिसमें आप जानते हैं ना, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दो होते हैं, जो हार्मोन डायरेक्टली हाइपोथैलेमस बनाता है और बिना ब्लड के डायरेक्ट यहां पर उनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर भेज देता है। आमतौर पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले रिलीजिंग या इनहिबिटरी फैक्टर्स यहां पर आकर के स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने के बाद यह खुद से अपना हार्मोन बनाता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट है, इसको प्लीज फोकस करेंगे आप तो आप देख पाएंगे कि रिलीजिंग या इनहिबिटरी फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी पर को जब ये स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हार्मोन ये बनाना शुरू या कम कर देता है। तो यहां पर हार्मोन का बनना स्टार्ट होता है जब यहां रिलीजिंग फैक्टर आते हैं। ये हार्मोन अपना बनाता है पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन बनाता नहीं। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से बनने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उन्हीं को यहां पर ये स्टोर करता है और उसे वो रिलीज करता है। तो मैंने एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्यों समझाया, उसको अब आप समझ पाएंगे। एक्चुअली इतना बात अगर आपने समझ लिया तो आप यहां पर आए, आप देखेंगे कि बच्चे के रोने से या उसके सक करने से सेंसरी इनपुट पहुंचा कहां पर, हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है, कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर वो काम करता है। और प्रोलैक्टिन कैसे काम करता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को भेज करके। वो कहता है कि प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन आप बढ़ाइए एंटीरियर पिट्यूटरी से। हाइपोथैलेमस कहता है कि आप प्रोलैक्टिन हार्मोन का फॉर्मेशन बढ़ाइए, बढ़ाने के लिए इंड्यूस करता है, एक फैक्टर भेजता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज होकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस करते हैं कि वो प्रोलैक्टिन हार्मोन का फॉर्मेशन शुरू करें, क्योंकि बच्चा चाहता है मां से फीड लेना। तो ये मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन को यहां पर बनाने के लिए ये कहता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की मदद से क्या होगा, ये मिल्क का प्रोडक्शन जो ब्रेस्ट में होना चाहिए उसके लिए ये काम करेगा। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो ही एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, ये मदर के ब्रेस्ट में पहुंचेगा और मदर के ब्रेस्ट में मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हाइपोथैलेमस ने वाया प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, उससे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हुए, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया। अब हाइपोथैलेमस अपना जो खुद का बनाया हुआ जो हार्मोन जिसको उसने स्टोर कर रखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, मैंने आपको बताया था ना, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन ऐसा ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन जिसको कहते हैं, या वैसोप्रेसिन जिसको हम कहते हैं, एडीएच कहते हैं,
उन हार्मोन्स को, ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं ADH और ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये जो दो हार्मोन हैं उनको हाइपोथैलेमस खुद बनाता है और उसको केवल स्टोर करके रख देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना खुद कोई हार्मोन नहीं बनाते ये, बल्कि इस यहाँ से रिलीज होने वाले हार्मोन को स्टोर करके रखे रहते हैं। अंतर आप समझें, ये रिलीजिंग फैक्टर भेज रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन रिलीज करने, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंपली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से रिलीज बनाए जाने वाले हार्मोन यहाँ रखे गए होते हैं, और इसमें सबसे खास है ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहा कि भैया मैंने जो हार्मोन बना करके रखा है इसको अब आप रिलीज करना शुरू करिए, तो होता क्या है कि जब यहां से आदेश मिलता है तो हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज किया जाता, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेस्ट से मिल्क के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ आ रही बात? और जितना ही तेजी से बच्चा वो, ये भी पॉजिटिव फीडबैक लूप है, बच्चा जैसे जैसे सक करता है, सेंसरी इनपुट आता है, उतने ही तेजी से हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है और लगातार इसका प्रोडक्शन बढ़ाता रहता है। नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक जाते हैं, लेकिन पार्चुरेशन के दौरान और लैक्टेशन के दौरान पॉजिटिव फीडबैक की जरूरत पड़ती है। इसलिए हार्मोनल कंट्रोल का पॉजिटिव फीडबैक का दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ, प्रोलैक्टिन ने क्या किया, प्रोलैक्टिन ने मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। खैर, मदर का, मदर के मिल्क का जो इजेक्शन होता है वो बच्चे को फिर मिलता है, बच्चा उसे फीड करता है। आपको मैंने बताया है मदर का जो मिल्क है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है बेबी के लिए, और अब जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि 6 मंथ तक बेबी को कुछ भी नहीं देना है एक्सेप्ट मदर्स मिल्क। माँ के दूध में वो सारी चीजें होती हैं जो बच्चे के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसके इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हर एक चीज होती है। एक सवाल आपको याद रखना होगा, अभी आपने देखा था ड्यूरिंग जेस्टेशन या गेस्टेशन, प्लेसेंटा से एक मदर से बेबी में एक एंटीबॉडी जा रहा था, वो क्या था, IgG। आपको मैंने बताया था, उसको सवाल इसलिए याद रखिएगा, गेस्टेशन के दौरान माँ अपने बॉडी से IgG एंटीबॉडी को अपने फीटस के लिए भेजती है, अपने बेबी के लिए भेजती है, है ना। तो गेस्टेशन के दौरान प्लेसेंटा को क्रॉस करके इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए IgG हार्मोन पहुंचते हैं फीटस में, है ना। और जब बर्थ हो जाता है आफ्टर डिलीवरी एक चीज देखी गई है, उस दौरान माँ अपने मिल्क के द्वारा, अपने मिल्क से एक एंटीबॉडी भेजती है IgA। ये मदर्स मिल्क में पाया जाता है और ये बच्चे की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आप जानते हैं ना कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें NCERT में दी गई हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो दूसरे चैप्टर में आप पढ़ते हैं, उसको मैंने यहाँ पर एक साथ लिंक कर दिया है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिसके आप प्रैक्टिस करिएगा, मुझे नहीं लगता कोई सवाल इसमें ज़्यादा टफ होगा। कभी भी जितना मैंने आपको पढ़ाया उतने ही लेवल पर पढ़िएगा। बताने को मैं बहुत कुछ बता सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना चाहा क्योंकि आपको सेलेक्ट होना है। सिलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगे, बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे, इसलिए अभी आपको कुछ भी ज़्यादा एडिशनल नहीं पढ़ना है, जितना बताया गया उतना ही करना है, और इस तरीके से चैप्टर खत्म हो जाता है। NCERT ओरिएंटेड जो है आप अपनी स्टडी जारी रखिए।